नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लाइव टीवी समाचार में। मैं हूं आपके साथ मंजू रुधियाल। बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की तरफ। नगर पालिका अध्यक्ष राजीव शर्मा ने दिलवाई हरिद्वार ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ। हरिद्वार ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने होटल गार्डेनिया में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया, जिसमें शिवालिक नगर पालिका के अध्यक्ष राजीव शर्मा ने नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को शपथ दिलवाई। शपथ ग्रहण समारोह में रानीपुर विधानसभा के विधायक आदेश चौहान, भाजपा उत्तराखंड प्रदेश के मीडिया प्रभारी ओम प्रकाश जमदग्नी, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सरदार टी एस मान, प्रदेश सचिव आदेश सैनी, एसोसिएशन के संरक्षक सुरेश शर्मा, सूरज भान शर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। शपथ ग्रहण समारोह में नव निर्वाचित अध्यक्ष लज्जाराम शर्मा, उपाध्यक्ष रतनपाल सिंह चौहान, सचिव नरेश स्वामी, कोषाध्यक्ष राजेंद्र शर्मा को शपथ दिलवाई गई। इस अवसर पर विधायक आदेश चौहान ने नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्ट है भारत की लाइफ लाइन है। इनका महत्व सरकार और समाज दोनों समझता है, इसलिए इनकी उपेक्षा करना, इनकी महत्ता को नकारना समाज और देश के साथ अन्याय है। ट्रांसपोर्ट जहाँ व्यापार का महत्वपूर्ण अंग है, वहीं सरकार के राजस्व का भी मुख्य स्रोत है। उत्तराखंड भाजपा के मीडिया प्रभारी ओम प्रकाश जमदग्नी ने कहा कि हरिद्वार ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ट्रांसपोर्टरों की प्रतिनिधि संस्था है, जो सरकार और प्रशासन के बीच सेतु का काम करती है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट सरदार डी एस मान ने कहा कि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस पूरे देश में ट्रांसपोर्टरों की एक प्रतिनिधि संस्था है, तो हरिद्वार में ट्रांसपोर्टरों का प्रतिनिधित्व हरिद्वार ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन करती है, जिसकी नवनिर्वाचित कार्यकारिणी सभी लोगों को साथ लेकर चलेगी, ऐसा विश्वास है। इस अवसर पर शहर के ट्रांसपोर्ट जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। लाइव टीवी समाचार के लिए संजय वर्मा, जिला प्रभारी हरिद्वार उत्तराखंड।